हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग को हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन। क्रिएटिव राइटिंग क्या है यह जानने से पूर्व हमें सबसे पहले यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग डाइवर्जेंट, समथिंग रेयर, यूनिक, मैचलेस, इनकॉम्पेरेबल, एक्सेप्शनल, दैट इज क्रिएटिविटी। कोई रूटीन एक्टिविटीज क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं कहलाता है। वन कैन टॉक इन ए क्रिएटिव मैनर, वन कैन वॉक इन ए क्रिएटिव मैनर, वन कैन लाफ इन ए क्रिएटिव मैनर, यू कैन स्माइल, यू कैन ईट इन ए क्रिएटिव मैनर। वैन यू डू सम इनोवेशन इन योर एक्टिविटीज इट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। आप रंगोली बनाते हैं तो रंगों का कैसे मिश्रण करते हैं, और जब नए तरीके से रंगों का मिश्रण करते हैं और एक नई प्रस्तुति देते हैं जो अपने आप में अद्भुत हो, अनोखा हो, अद्वितीय हो, असाधारण हो, अतुलनीय हो, तो वो क्रिएटिविटी कहलाता है, वो क्रिएटिव एक्ट हुआ। ठीक है, तो क्रिएटिव एक्ट इज समथिंग अदर देन जनरल और रूटीन एक्टिविटीज। ठीक है, इट्स नॉट ए वेरी रूटीन काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने अभी रंगोली का उदाहरण दिया, आपके स्टाइल, ड्रेस सेंसेस भी बहुत क्रिएटिव तरीके से आजकल नए नए स्टाइल से, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके ड्रेस बन रहे हैं नए। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, और टाइम टू टाइम ड्रेस क्रिएटिविटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, आप खास करके देखेंगे मैरिज में, फंक्शंस में, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव चेंज्ड देयर स्टाइल ऑफ ड्रेस, देयर हेयर स्टाइल, their makeup style and so many things, that is all creativity. Creative writing is again a different writing than general writing. It is innovative, divergent approach towards writing. It is quite new dimension in writing, then it is creative writing. Like feature writing, like fiction writing, like featureized news writing, they are creative writing. एक general mechanical writing होता है, दो मरे चार घायल, वो creative writing नहीं। ठीक है, एक होता है किधर कहाँ लुप्त हो गए सूर्यदेव इस कोहरे में, तो ये क्रिएटिव हेडलाइंस। ठीक है, से क्रिएटिव हेडलाइंस, दुर्घटना में मौत का तांडव, ये क्रिएटिव हेडलाइंस है। न्यूज़ को क्रिएटिव तरीके से पेश किया गया है, साधारण तरीके से नहीं कि दो मरे चार घायल या 200 लोग मरे। दुर्घटना में मौत का तांडव, तांडव का मतलब तो नृत्य होता है, लेकिन उन्होंने नृत्य से उसकी तुलना करके एक अद्भुत शीर्षक बनाया। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव हेडलाइंस। सिमिलरली आर्टिकल राइटिंग इज ए मैकेनिकल काइंड ऑफ राइटिंग, बट वेन यू राइट ए फीचर यू फॉलो ए डिफरेंट स्टाइल, यू गिव एलिगेंट लुकिंग पिक्चर्स इन ए फीचर, इवन योर हेडलाइंस विल बी क्वाइट फीचराइज्ड एंड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। यू से डोंट स्मोक, but when you say thank you for not smoking, the same message is changed. We say don't come late in the class, and we can say you are too early for the next class. So it's a creative approach. So creative writing is featureized news, news feature, feature writing, fiction writing. These are all creative writing. You can write a story in a mechanical manner, and you can write a story in a creative manner.
चेतन भगत इज अ ग्रेट क्रिएटिव स्टोरी राइटर, एक्सपीरियंस राइटर. कुशवंत सिंह बहुत अच्छा क्रिएटिव स्किल है इनका. आर के नारायणन, शोभा डे, विक्रम सेठ, इन सभी ने बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव राइटिंग किए. ठीक है, तो हम ये क्रिएटिव राइटिंग में बहुत अलग अलग की चीज़ होती है और यह सामान्य लेखन से काफ़ी भिन्न होती है. तो मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया कि क्रिएटिविटी क्या है और क्रिएटिव राइटिंग क्या है. इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे. तब तक के लिए यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई विरोधाभास हो, आपको कोई विचार प्रकट करने हैं, तो आपका स्वागत है. धन्यवाद.